से ज़्यादा खेतों को इरीगेशन करना। अगर हम ये पुराने ज़माने के तरीके से चलते रहें तो आपको पानी कितना भी कर लो उतना पूरा नहीं होने वाला। से भी जो आपने देखा है ना, ज़्यादातर जो ये ज़मीन जो ना बंजर हो, वो ऐसे मतलब खेत भी ऐसे सूखा पड़ा है क्योंकि हमें पानी की बहुत मतलब पहले से बहुत। अब इसमें क्या कर रहे हैं, प्लान क्या कर रहे हैं, हम जो प्रपोजल दे रहे हैं उसमें ये करेंगे, आपको बताता हूँ। ये पानी का टैंक रहेगा आपका, इसमें लिखे इसमें नहीं इसमें बहुत जाता है उसको बढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ से हम पानी निकलता है उसमें सारा खराब। तो इसमें क्या करो, या तो एक इसमें भी एक फिल्म लगा लो, 10 किलो प्लास्टिक का, उसके ऊपर ये कॉपर मिट्टी हम नीचे देखे हैं नदी के पास बहुत है ना, वो मिट्टी का लेयर उसके ऊपर छा दो, फिर ये डिक्के सारा बंद हो जाएगा। आप एक एक बूंद से बहुत पानी करने हैं कवर, तब तो आपका सक्सेस हो जाएगा। फिर उसमें ये फ्लडिंग नहीं करेंगे हम, पाइप लगा के वो पॉपअप करके बारिश करेंगे जब तक फुहारा स्प्रिंकल कर, सिंपल सिस्टम करेंगे ताकि कोई भी आ गया खराब भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब रिपेयर हो जाए, आप ही करोगे तो वो सारा करके ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर आपके लिए ये पानी कम से कम 10 साल तक चल पड़ेगा, यही पानी चल पड़ेगा। क्योंकि फिर क्या कि खेत में क्या बारिश की उसमें देखना कितनी देर हमने बारिश करनी है, उसको बंद कर दो, फिर पानी का पानी बचा रहेगा। अभी तो क्या है बहा दो वो भर पानी अतः नीचे चला जाता है जमीन में, उसको कुछ मिलता नहीं है, फिर वो ही दिक्कत होती है सारी। अगर हम उसको उतना पानी देंगे जितना उसको चाहिए, जैसे मेरे को प्यास है, अगर मैं कहूँगा पानी है ये बहुत है, नहीं है पानी पीना है मैंने 1 लीटर 2 लीटर, ऐसे ही पौधे को भी पानी खेत में मिला कितना, वो हम कैलकुलेट करेंगे जाके उसको सारा स्प्रिंकल सिस्टम, यहाँ पर सारा स्प्रिंकल सिस्टम। पर प्लानिंग करने पड़ेगी, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, वहाँ से इंजीनियर्स को भी लाना होगा और वो सारा का सारा प्लान करके जितने खेत हैं पहले उन्हीं को इरीगेट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे प्लान। पर अभी प्लान हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि इसके लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और प्रपोजल देंगे फिर प्रूफ भी होएगा वो सारा। पर फिर भी हमारा प्रायोरिटी रहेगी इसको गांव को, तब इसको छोड़ना मत गांव को, वो नहीं छोड़ेंगे सर। हमारा एक ऐसा है ना, पहले हमारा आज से कुछ 20 साल पहले बहुत छोटा से पहले भी बहुत था, लेकिन उतना नहीं हुआ जब 1999 से लेकर 2001 की मतलब 3-4 साल तो बिल्कुल पानी नहीं है, तो हम वहाँ पे जो बिखरा दिया बंजर ज़मीन है ना उसको अपना कनाल खोद के उसके, लेकिन एक बात ये कनाल भी आप लोगों ने खुद खोदा, खुद खोदा सारा गांव लोगों, बाद में तो गवर्नमेंट का पानी लाया। अच्छा, जो हमारे से हो नहीं पा रहा उसको कम्प्लीट कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें ऐसे खड़ा खड़ा ये चट्टान जैसा मालवा था, तो वो गिर के कोई आदमी को लग गवर्नमेंट से एक, लेकिन एक बात है अब जो वहाँ सेटलमेंट होगा हमारा यहाँ दासकर में ऐसा होता ना, हमारा मतलब खोपा खाँचू नाम से, जैसे हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम अपने लड़के को शादी करके उसको खोपा बोलते, उसको एक मतलब अलग गार भाषा देते, इस तरह रीति रिवाज होता, तो हम मतलब जो बुजुर्ग लोग मतलब खाँचू यानी कि छोटा घर जैसे बोलते उसमें बैठते, तो इस तरह अब वो खापा और ये खाँचू इसको तो हम छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अब पूरा खाँचू जैसा मुझे लग रहा है। जो बुजुर्ग लोग यहाँ रहेंगे, नए लोग वहाँ यहाँ रहेंगे, बुजुर्ग लोग यहाँ नए लोग थोड़ा वहाँ जाएंगे, मतलब रोड किसान पर मदद देते हैं। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है सर, ऐसा है ये हेरिटेज विलेज इसको बनाओ अपना, क्योंकि इतना पुराना आपका विलेज है ये सारा और इतना ग्लेशियर की